आर्टिकल 370 या यूं कहें धारा 370 भारतीय संविधान की सबसे विवादित धारा। लेकिन असल में आर्टिकल 370 है क्या और इसे क्यों और कब बनाया गया और वो कौन सी बातें हैं जो धारा 370 को इतना विवादित बना देती हैं, और इतनी विवादित धारा होने के बावजूद भी वो क्या कारण है कि ये आज भी भारतीय संविधान का हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं धारा 370 के बारे में हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं या जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो धारा 370 को एक विवादित धारा बनाते हैं। दोस्तों, धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक तरह से भारत के अंदर ही एक अलग राष्ट्र का दर्जा देती है। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है। यहाँ तक कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, आरटीआई, सीएजी, आरटी, यहाँ तक कि पंचायत राज भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उस तरीके से जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर दो अलग राज्य नहीं बनाए जा सकते। कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता। भारतीय उच्च न्यायालय का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज भी अलग होता है, और भारत के किसी भी राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रध्वज का अपमान जम्मू कश्मीर में एक अपराध नहीं है। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती है, यानी एक वो भारत का नागरिक है और एक वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है। और यदि कोई जम्मू कश्मीर की लड़की किसी भारतीय लड़के से शादी कर लेती है तो उस लड़की की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती है, और वहीं यदि वो लड़की किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले तो उस पाकिस्तानी लड़के को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है, और यदि कोई पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाता है तो उसे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो धारा 370 को एक विवादित धारा बनाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि धारा 370 को कब और क्यों अप्लाई किया गया। दोस्तों, असल में बात भारत की आजादी के समय से जुड़ी हुई है। जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ तकरीबन 562 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स ने आजादी के वक्त हर प्रिंसली स्टेट को यह अधिकार दिया था कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों, और वो चाहें तो अपना एक अलग राष्ट्र भी बना सकते हैं। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के उस वक्त के मौजूदा राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक आजाद देश बनाने का फैसला लिया। लेकिन वो अपने इस फैसले पे अमल कर पाते उससे पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया, और तब राजा हरि सिंह ने भारत से मदद के लिए गुहार लगाई। लेकिन भारत की सेना तब तक जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी जब तक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन न कर दे, और इस वजह से राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए, और तब भारतीय सेनाओं ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को शायद ये बात पता हो कि उस वक्त हर वो प्रिंसली स्टेट जो भारत में शामिल होना चाहती थी उसे असल में दो डॉक्यूमेंट साइन करने पड़े थे, एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। लेकिन राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे तो साइन कर दिए थे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे साइन कर पाते उससे पहले ही उस वक्त के भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे ये अनाउंस कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को लेके एक जनमत संग्रह कराने को तैयार है, और राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे साइन नहीं कर पाए। अब चूंकि बात यूनाइटेड नेशन में जा चुकी थी और राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे साइन नहीं किए थे, तो उस वक्त भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में एक लीगल संबंध स्थापित करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की राय पे पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर के उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला से सलाह मशवरा करके ये आर्टिकल 370 का आइडिया इंट्रोड्यूस करा, और तब पंडित नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि इसे संसद में पेश किया जा सके। लेकिन आर्टिकल 370 के सभी पॉइंट्स देखने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट तैयार करने से मना कर दिया, और तब पंडित नेहरू ने गोपाल स्वामी अय्यर को यह ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा,
और फाइनली सन 1949 में गोपाल स्वामी अय्यर ने ड्राफ्ट तैयार करा और इसे संसद में पेश करा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्यों ये आर्टिकल 370 आज भी भारतीय संविधान का हिस्सा है और क्या इसे हटाया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे। दोस्तों अगर आपने देखा हो तो जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और उसे अपने अंदर मिला लिया तो पूरी दुनिया ने रशिया का खुल के विरोध किया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि क्यों जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पूरी दुनिया भारत का साथ देती है, जबकि हम तो रशिया जितने पावरफुल भी नहीं है और हमारे पास तो सऊदी अरब जैसे तेल के कुएं भी नहीं है, उसके बावजूद भी पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे भारत के साथ खड़ी दिखती है। उसका कारण है ये आर्टिकल 370। असल में आर्टिकल 370 हमें बचा रहा है। आर्टिकल 370 की वजह से दुनिया का कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि भारत ने जम्मू कश्मीर पे इनलीगल कब्जा कर रखा है। अब चूंकि राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पे साइन नहीं किए थे, उसके बावजूद भी ये आर्टिकल 370 भारत को अधिकार देता है जम्मू कश्मीर पे अपना लीगल राइट स्थापित करने का। दोस्तों अगर मेरी ये बात सुनने के बाद आप आर्टिकल 370 के आइडिया के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का धन्यवाद अदा करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जनमत संग्रह कराने और उसे रेडियो पे अनाउंस करने का आइडिया भी लॉर्ड माउंटबेटन का ही था। तो दोस्तों धारा 370 भारतीय संविधान का हिस्सा है और नॉर्मली भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी लगती है। लेकिन चूंकि धारा 370 भारतीय संविधान के टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस वाले सेक्शन में लिखी हुई है और इस सेक्शन से किसी भी धारा को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का आदेश लगता है, और यदि भारत के राष्ट्रपति आज ही आदेश जारी कर दें कि धारा 370 को तुरंत प्रभाव से हटाया जाता है तो धारा 370 भारतीय संविधान से हट जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच फंसा हुआ है। धारा 370 भारतीय संविधान का हिस्सा होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के संविधान का भी हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की तरह ही जम्मू कश्मीर की भी एक संविधान सभा थी जिसने 1951 से लेकर 1956 तक काम करा और उन्होंने जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान तैयार करा और उन लोगों ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर के संविधान का हिस्सा बना दिया। और पता नहीं क्यों पर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक अजीब सी शर्त जोड़ दी। उस शर्त के अनुसार भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के संविधान में मौजूद है उसे हटाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी धारा 370 को जम्मू कश्मीर के संविधान से नहीं हटाया जा सकता। अब यदि धारा 370 भारतीय संविधान से हट जाती है और ये जम्मू कश्मीर के संविधान में मौजूद रहती है तो उस वक्त भारत उस कंडीशन में आ जाएगा मानो भारत ने जम्मू कश्मीर पे इनलीगल कब्जा कर रखा हो, और तब भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता इस बात का फायदा उठाकर यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और वहाँ भारत की स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाएगी और भारत के पास डिफेंड करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप धारा 370 के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरा हटके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।